एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पंजाब के जाने माने कारोबारी की धी नूं युगांडा दे विच कैद किया गया है। पंजाब मूल के कारोबारी पंकज ओसवाल की धी वसुंधरा ओसवाल नूं युगांडा दे विच कैद किया गया है। पिछले 17 दिनों तो वसुंधरा ओसवाल नूं कैद किया गया है, पर उत्थे ही पंकज ओसवाल ने कहा है कि मेरी धी नूं गैर कानूनी ढंग के नाल हिरासत लिया गया है। यह इल्जाम उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं और उत्थे उन्होंने कहना है कि उसके नाल युगांडा दे विच माड़ा सलूक भी किया जा रहा। हालांकि पंकज ओसवाल एक जाने माने कारोबारी हैं पंजाब के, उन्होंने वालों अपनी धी की रिहाई को लैके यूएन दे विच अपील भी की गई है और उनका कहना है कि मैं पिछले कई दिनों तो वसुंधरा ओसवाल के नाल संपर्क भी नहीं कर पा रहा और ना ही उस तक कोई कानूनी मदद पहुँच पा रही है। हालांकि इस मामले हाले तक भारत सरकार या यूएन के किसी भी अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की, पर उत्थे ही पंकज ओसवाल ने इल्जाम लाया कि उन्हां दी धी ते उन्हां दी कंपनी दे ही एक साबका कर्मचारी ने झूठे इल्जाम लगाए सन, जो कि इस वेले युगांडा दे विच ही रहिंदा है। और उत्थे ही पंकज ओसवाल ने भी इल्जाम लगाए कि साबका कर्मचारी ने उन्हां दा कीमती समान चोरी किया सी अते गारंटर दे तौर ते ओसवाल दे परिवार नाल 2 लाख डॉलर का लोन लिया सी। तुहानूं दस दईए कि पंकज ओसवाल लुधियाणा दे मशहूर कारोबारी ओसवाल फैमिली नाल जुड़े हुए हन अते उन्हां दा परिवार मशहूर उद्योगपति अते भाजपा सांसद नवीन जिंदल दे परिवार नाल भी जुड़िया है। तो बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पंजाब दे जाने माने कारोबारी पंकज ओसवाल की धी वसुंधरा ओसवाल नूं युगांडा दे विच कैद किया गया है।